सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहम् अंजना साव अस्मि। प्यारे बच्चों, SCERT द्वारा संचालित पढ़े तू हर द्वार के इस ऑनलाइन कक्षा का आप सभी निश्चित रूप से लाभ ले रहे होंगे और घर बैठे ही अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम भाषाओं की जननी, जो अत्यंत ही मधुरा, अत्यंत ही सरला है, अर्थात संस्कृत भाषा, आज हम संस्कृत भाषा में कक्षा आठवीं मनोरमा के एकादश पाठ चतुरह वानरह का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह कथा है और इस कथा में हम देखते हैं कि मित्रता तभी संभव है जब उनके बीच में विश्वास होता है। यदि उनके बीच विश्वासघात होता है, किसी भी एक मित्र के द्वारा विश्वासघात कर दिया जाता है, तो मित्रता टूट जाती है। अर्थात हमें हमेशा अपने मित्र के साथ विश्वास को बनाए रखना है। और इस कहानी के, इस कथा के एक एक गद्यांश को हम सर्वप्रथम उसका आदर्श वाचन करेंगे। इसके एक एक पद के अर्थ को समझते हुए, इसके व्याकरणिक तत्व को देखते हुए, इसके गद्यांश के भाव को ग्रहण करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इस कथा के, इस पाठ के पहले गद्यांश में। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्षः आसीत्। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। सः नित्यं तस्य फलानि खादति स्म। कश्चित् मकरोऽपि तस्यां नद्यां वसत्। एकस्मिन्, देखिए बच्चों, यह जो इस गद्यांश का पहला पद है, वह इसका मूल शब्द एक है। एक का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, एकस्मिन, एक नदी तीरे, नदी के किनारे में, एक यह, एक का प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक का पुल्लिंग है, एक जम्बू वृक्षः। देखिए बच्चों, यह समासिक शब्द है, जम्बू इति वृक्षः, यह कर्मधारय समास है। जम्बू का वृक्ष अर्थात जामुन का वृक्ष आसीत। यह अस धातु लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन, आसीत का अर्थ होता है था। एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष, जामुन का पेड़ था। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। तस्मिन् यह तद पुलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। एकः, एक वानरः, वानर प्रतिवसति, बस यहां यह प्रतिवसति, बस मूल धातु है, वसति का अर्थ होता है रहता है, और यह लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद है, और जब इसमें स्म प्रत्यय जुड़ जाता है तो यह भूतकाल की क्रिया हो जाती है। अर्थात वसति जो है वह वर्तमान काल की क्रिया है, परंतु यदि इस वसति के साथ में स्म प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा उसमें एक वानर, एक बंदर रहता था। देखिए बच्चों, वानरह जो है वह भी सामासिक पद है, जिसका यदि हम समास विग्रह करें तो होगा वने रमति इति, अर्थात वानरह, वने रमते इति। तो इस यहाँ देखिए बच्चों, हम इस गद्यांश के अर्थ को समझते हैं और साथ में इसके व्याकरणिक तत्व को देखते चलते हैं। सह वह नित्यम रोज तस्य, उसको या षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। फलानी फलों को, फलानी जो पद है वह प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों के बहुवचन का पद है। तो फलानी फलों को खादति, देखिए बच्चों यहां पर भी
यह लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है और इसका मूल धातु खाद है। खादति का अर्थ है खाता है, लेकिन यहाँ भी स्म प्रत्यय जुड़ गया है तो यह भी भूतकाल की क्रिया बन गई है और इसका अर्थ होगा खाता था। वह नित्य, वह रोज उसके फलों को, किसके फलों को, जामुन के पेड़ के फलों को खादति स्म, खाता था। कश्चित मकरोपि तस्याम नद्यां वसत। कश्चित कह धन चित, यहाँ विसर्ग संधि है। कश्चित कोई, मकरोपि मकरह धन अपि, यहाँ भी विसर्ग संधि है, मगर भी। तस्याम उस, यह तद का सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद है। उस नद्यां नदी में वसत रहता था। तो देखिए बच्चों इस गद्यांश के अर्थ को, एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस उसमें एक बंदर रहता था, वह रोज उसके फलों को खाता था, कोई मगर भी उस नदी में रहता था। देखिए बच्चों नीचे चित्र है, चित्र में पेड़ जामुन के पेड़ में बंदर बैठा हुआ है और नीचे नदी में मगर जो है वह बंदर को देख रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि अयच्छत्। तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रं भवति। वानरः, वानरः जो है यह मैंने आपको इसके पहले के गद्यांश में बताया था कि यह सामासिक पद है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो होता है वने रमते इति। वानरः प्रतिदिनं, प्रतिदिन, तस्मै उस जम्बू फलानि, जामुन के फलों को, अयच्छत देता था। तेन, यह तृतीय विभक्ति एकवचन का पद है। तेन का अर्थ है उसके द्वारा। प्रीतः मकरः, उसके उसके द्वारा या उससे। प्रीतः मकरः, प्रेम में मगर। तस्य, यह षष्ठी विभक्ति एकवचन तद पुल्लिंग का पद है। तस्य का अर्थ होता है उसका। वानरस्य, वानरस्य यह भी षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद है। वानर के, बंदर के मित्रं भवत्। मित्र, देखिए यहाँ संयोग हुआ है, मित्रं धन अभवत्, मित्रं भवत् मित्र हुआ, और अभवत् जो है वह भू धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का पद। तो वानर, बंदर जो है प्रतिदिन उसके लिए, किसके लिए, उस मगर के लिए, जम्बू फलानी जामुन के फलों को अयच्छत। देखिए बच्चों यहाँ दा मूल धातु है और यह लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का पद। तो वानर प्रतिदिन जामुन के फलों को देता था। देखिए चित्र में भी वानर जो है, बंदर जो है, वह जामुन के फलों को तोड़कर मगर को दे रहा है और मगर जो है अपना मुंह खोलकर उन फलों को खा रहा है। तेन उससे, प्रीतः प्यार में, प्रेम में या स्नेह में मगर, उस तस्य उसके साथ वानर की मित्रता हुई। चलिए बच्चों अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। एक पहले हम गद्यांश को देख लेते हैं, उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेंगे। एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पतन्यै अपि दातुम् आनयत्। तानि खादित्वा तस्य जाया अचिन्तयत्। अहो, यः प्रतिदिनं ईदृशानि फलानि खादति, नूनं तस्य हृदयम् अपि अति मधुरं भविष्यति। एकदा, यह पद अव्यय पद है। एकदा का अर्थ होता है एक बार। मकरः, मगर, कानिचित् कुछ, जम्बू फलानी जामुन के फलों को,
पत्न्ये। देखिए बच्चों, यह पत्नी का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पद है, पत्न्ये पत्नी के लिए, अपि यह अव्यय पद है और अपि का अर्थ होता है भी, दातुम यहाँ दा धातु तुम उन प्रत्यय, दातुम का अर्थ होता है देने के लिए, आनयत। बच्चों यहाँ आ उपसर्ग है, नी मूल धातु है, आनयत का अर्थ होता है लाया, यह लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का पद होता है। तो एक बार मगर कुछ जामुन के फलों को पत्नी के लिए भी देने के लिए लाया, तानी खादित्वा तस्य जाया अचिन्तयत्। तानी मतलब उन खादित्वा, खाद धातु त्वा प्रत्यय। देखिए बच्चों, साधारण बोलचाल की भाषा को त्वा को कत्वा कत्वा कहा जाता है, पर यह कत्वा का जो उच्चारण है वह सही नहीं है। इसका उच्चारण करते समय क की जो ध्वनि है वह हमारे कंठ में होनी चाहिए, अर्थात कत्वा जैसे हम कत्वा ना कहकर त्वा कहेंगे। तो खाद धातु धन त्वा प्रत्यय, खादित्वा खाकर तस्य उसके या उसकी जाया, जाया का अर्थ होता है पत्नी, अचिंतयत। अचिंतयत यह लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का पद है, सोचा उन फलों को खाकर, उन्हें खाकर उसकी पत्नी ने सोचा। सोचा, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं। अहो यह प्रतिदिनम ईदृशानि फलानि खादति, नूनं तस्य हृदयम् अपि अति मधुरं भविष्यति। देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया जा रहा है कि मगर जो है, मकर और मकरी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वह बंदर जो है, वहां आपस में बातचीत हो रही है, मकरी मकर को कहती है कि वह बंदर जो है वह प्रतिदिन उन जामुन के फलों को खाता है। तो देखिए यहाँ संस्कृत में हम देखते हैं अहो, अहो का अर्थ होता है हे या आह या वाह। यह जो प्रति, देखिए प्रतिदिनम ईदृशानि, प्रतिदिनम धन ईदृशानि, यहां भी संयोग हुआ है, प्रतिदिन ईदृशानि ऐसे फलानि फलों को, यह बहुवचन का पद है, खादति खाता है, यह खाद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, खाता है नूनम, यह अव्यय पद है और नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से, तस्य उसका, हृदयम अपि हृदयम धन अपि, यहां भी संयोग हुआ है, हृदय भी अति मधुरम बहुत मीठा भविष्यति। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, भविष्यति का अर्थ होता है होगा। देखिए बच्चों, हम इस गद्यांश का अर्थ को एक बार और देख लेते हैं। एक बार मकर मगर कुछ जामुन के फलों को पत्नी के लिए भी देने के लिए लाया, उनको खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, हे या वाह या आहा, जो प्रतिदिन ऐसे फलों को खाता है निश्चय रूप से उसका हृदय भी बहुत मधुर होगा। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। दातुं देने के लिए, जाया पत्नी, प्रतिदिनं मीदृशानि रोज ऐसे, नूनं निश्चित रूप से नद्यां सत नदी में रहता था, पत्न्यै पत्नी के लिए, व्याकरणिक तत्व में दातुं दाधन तुमुन प्रत्यय। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं दूसरे गद्यांश में। सा पतिम कथयत भो स्वामी जम्बूभक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बुवत मधुरं भविष्यति, अहम् तदेव खादितुम् इच्छामि तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा।
यदि माम जीवितां द्रष्टुम इच्छसि तर्हि शीघ्रम आनय तस्य वानरस्य हृदयम्। सा, यह जो है तद स्त्रीलिंग का पद है, सा का अर्थ होता है वह। तो यहाँ कौन वह? वह मकरी। पतिम कथयत, पतिम धन अकथयत, यहाँ भी संयोग हुआ है। पति को कही, वो स्वामी, यह संबोधन पद है, हे स्वामी जम्बू भक्षकस्य, जामुन खाने वाले का। तव, तव जो है यह युष्मत का षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद है, तव का अर्थ होता है तुम्हारे। मित्रस्य, यह भी षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद है, मित्र का। हृदयम अपि, हृदय भी। जम्बुवत, जामुन के समान। मधुरम, मधुर भविष्यति। भू धातु, मूल धातु इसका भू है। लट लकार, लिट लकार का पद है, भविष्यकाल। लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, और भविष्यति का अर्थ होगा होगा। तो हे स्वामी जामुन खाने वाले का, तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन के समान मीठा होगा। अहम, मैं। तदेव, तत्धन एव, यहाँ व्यंजन संधि है। तदेव, उसे ही खादितुम इच्छामि, खादितुम खाने के लिए, इच्छामि इच्छा करती हूँ। अर्थात मैं, मकरी कहती है कि मैं उसे ही, उस बंदर को ही खाना चाहती हूँ। तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा। तस्य, उसका, बंदर का, हृदय भक्षणाय, हृदय खाने के लिए, यह चतुर्थी विभक्ति एकवचन का पद है, हृदय खाने के लिए। मम, यह अस्मत का षष्ठी विभक्ति एकवचन, मेरा। बलवती, बलवती का अर्थ होता है बहुत। स्पृहा, इच्छा, चाह। उसका हृदय खाने के लिए मेरी इच्छा बहुत है। यदि माम जीवितां दृष्टुम इच्छसि, यदि माम, मुझे, यह अस्मत का द्वितीय विभक्ति एकवचन का पद है, मुझे जीवितां, जीवित, दृष्टुम, दृष्धातु तुमुन प्रत्यय, दृष्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए, इच्छसि चाहते हो, यह इस धातु लटलकार मध्यम पुरुष एकवचन का पद है। इच्छसि का अर्थ है इच्छा हो। तरही, तो, शीघ्रम, शीघ्र, देखिए बच्चों शीघ्रम यह अव्यय पद है, तुरंत, शीघ्र, आनय, आ, यहां देखिए बच्चों आ उपसर्ग है, नी मूल धातु है, आनय मतलब होता है लाओ, और यह लोट लकार का पद है, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का, यह आज्ञार्थ, लाओ। तस्य, उसका, वानरस्य, वानर का हृदय। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी जामुन खाने वाले का, तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन के समान मधुर होगा। मैं उसे ही खाना चाहती हूँ, उसका हृदय खाने के लिए मेरी इच्छा बढ़ रही है, बढ़ गई है या बहुत है। यदि मैं, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो शीघ्र ही उस वानर का हृदय लाओ। चलिए बच्चों कुछ शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। जम्बू भक्षकस्य, जामुन खाने वाले का। स्पृहा, इच्छा, अभिलाषा। तरही, तो, आने, ले आओ। अब चलिए बच्चों अब हम दूसरे गद्यांश में चलते हैं। पतन्या हठात, हठात विवशः मकरः नदी तीरं गत्वा वानरम अवदत्।
बंधो तव भ्रातृजाया त्वां द्रष्टुम् इच्छति, अतः मम गृहम् आगच्छ। वानरः अपृच्छत्, कुत्र ते गृहम्? कथमहं तत्र गन्तुं शक्नोमि? मकरः अवदत्, अलं चिन्तया, अहं त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नेष्यामि। पतन्या, पत्नी के हठात् हट से विवशः विवस मकरः मगर नदी तीरम नदी के किनारे गत्वा, यहाँ गम धातु त्वा प्रत्यय है, गत्वा जाकर वानरम अवदत्, वानर ने कहा, यहाँ संयोग हुआ है, वानरम धन अवदत्, वानर ने कहा, बंधो भाई तव तुम्हारी भातृजाया, भातृजाया का अर्थ होता है भाभी, त्वाम तुमको दृष्टुम इच्छति, दृष्टुम धन इच्छति, यहाँ संयोग हुआ है, दृष्टुम में दृष धातु तुम्हुन प्रत्यय, देखने के लिए इच्छति इश धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, इच्छा करती है या इच्छा है। पत्नी के हट से विवश होकर मगर नदी के किनारे जाकर वानर से कहा, भाई तुम्हारी भाभी तुमको देखना चाहती है, अतः मम गृहम आगच्छ। अतः का अर्थ होता है इसलिए, मम षष्ठी विभक्ति एकवचन अस्मत् का रूप है, मेरे गृहम आगच्छ, गृहम धन आगच्छ, यहाँ संयोग हुआ है, गृहम घर को आगच्छ आओ, यह आ यहाँ उपसर्ग है, गम धातु लोट लकार का मध्यम पुरुष एकवचन का पद है, इसलिए मेरे घर आओ। वानर अपृच्छत्, वानर ने पूछा, अपृच्छत् यह भी लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का पद, तो वानर ने पूछा, पुत्र ते गृहम्, पुत्र यह अव्यय पद है, ते तुम्हारा गृहम् तुम्हारा घर कहाँ है? कथम धन अहम्, यहां भी संयोग हुआ है, कथम का अर्थ होता है कैसे, अहम् मैं, तत्र वहां यह अव्यय पद है, गन्तुम गम धन तुमुन प्रत्यय, जाने के लिए शक्नोमि सकता हूं, अर्थात वानर ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, कैसे मैं वहां जा सकता हूं? मकर अवदत्, मकर ने कहा, अवदत् यह भी लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का पद है, इसकी मूल धातु वद है, मकर ने कहा, मगर ने कहा, अलम चिंतया, अलम का अर्थ होता है मत, चिंतया चिंता, चिंता मत करो, अहम त्वाम मैं तुम्हें स्वपृष्ठे, यह सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद है, स्व का अर्थ होता है अपने, पृष्ठे अर्थात पीठ पर, धृत्वा धृ धातु त्वा प्रत्यय, धारण कर, धारण करके या बैठा करके गृहम घर को नेष्यामि, यह यहाँ इसका मूल धातु नी है और लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का पद है और इसका अर्थ है ले जाऊंगा, तो मकर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा करके अपने घर ले जाऊंगा या घर ले जाऊंगा। इसके बाद वह बंदर जो है पेड़ से उतरता है और शीघ्र ही मकर की पीठ पर बैठ जाता है। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को, श्रुत्वा में शु धातु त्वा प्रत्यय, उसके वचन को सुनकर, किसके वचन को, मकर के वचन को सुनकर विश्वस्तः विश्वास करके वानरः बंदर तस्मात् उससे वृक्ष स्कंधात् यानी पेड़ की शाखा से, पेड़ की टहनी से अवतीर्य उतर कर, यहाँ ल्यप प्रत्यय है, मकर पृष्ठे मगर की पीठ पर उपाविशत बैठ गया,
देखिए बच्चों, यहाँ उप जो है वह उपसर्ग है और विष धातु है। उपधन अविशत अर्थात बैठ गया। उसके वचन को सुनकर विश्वास करके बंदर उस वृक्ष से नीचे उतरकर मकर की पीठ पर बैठ गया। देखिए बच्चों, चित्र में भी दिखाया गया है, बंदर जो है पहले चित्र में पेड़ की टहनी से उतर रहा है और उसके बाद वह मकर की पीठ पर बैठ गया। अब उसके उपरांत कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। विवशः मजबूर, भातृजाया भाभी, अलम बस और न करना, स्वपृष्ठे अपनी पीठ पर, धृत्वा धारण करके, बिठा करके, नेश्यामि ले जाऊंगा, विश्वस्त विश्वास करके, उपाविशत बैठ गया। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। नदी जले वानरम विवशम मत्वा मकरः अकथयत, मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, तस्मै तव हृदयम दातुमेव त्वाम नयामि। नदी जले, यह सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद है। नदी जल में वानरम, वानर को विवशम, विवश मत्वा, यहाँ देखिए बच्चों त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, मान कर मकरह मकर अकथयत, कहा नदी जल में, नदी के जल में बंदर को विवश मानकर मकर कहा, मगर ने क्या कहा। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं चित्र में। देखिए बच्चों, मगर जो है की पीठ पर बंदर बैठा हुआ है और मगर जो है बंदर को कुछ बोल रहा है। वह क्या बोलता है इसे हम देखते हैं। मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति, तस्मै तव हृदयम दातुमेव त्वाम नयामि। मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खादितुम इच्छति, खाना चाहती है, तस्मै उसके लिए ही, यह चतुर्थी विभक्ति एकवचन का पद है, उसके लिए ही तुम्हारा हृदय दातुमेव देने के लिए ही त्वाम तुमको नयामि ले जा रहा हूं, ऐसा कहता है। उसके बाद बंदर जो है वह सोचता है, चतुरः वानरः शीघ्रम अकथयत, जो चतुर वानरः, यहाँ देखिए बच्चों जो चतुरः है वह विशेषण पद है और वानरः यह विशेष्य पद। चतुरः वानरः, चतुर वानर, यह समास विग्रह भी है। चतुरः वानरः का यदि हम समासिक शब्द बनाते हैं तो बनता है चतुर वानर। चतुर वानरः, चालाक बंदर शीघ्र ही कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, कथम न पूर्वमेव निवेदितं तया, अरे मूर्ख, कैसे इसके पहले निवेदन नहीं किया गया तुम्हारे द्वारा, या अरे मूर्ख, कैसे इसके पहले तुमने मुझे नहीं बताया। मम हृदयम तु वृक्षस्य कोटरे एव निहितम्। मम हृदयम, मेरा हृदय, तू का अर्थ होता है तो, वृक्षस्य वृक्ष के, कोटरे कोटर में, खोखर में, एव, यह अव्यय पद है, एव का अर्थ होता है ही, निहितम, यहाँ त प्रत्यय लगा हुआ है, निहित है, रखा हुआ है। मेरा हृदय तो वृक्ष के खोखर में ही रखा हुआ है, अतः शीघ्रम तत्रैव नय, अहम् स्वहृदयम् मानीय भातृजायै दत्त्वा तां तोषयामि इति, इसलिए, अतः का अर्थ होता है इसलिए, शीघ्रम शीघ्र, तत्रैव तत्र धन एव, यह वृद्धि स्वर संधि है, वहां ही नय, नी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है, नय का अर्थ होता है ले चलो, अहम मुझे, स्वहृदयम आनीय अपने हृदय को लाने के लिए, भातृजायै, भातृजायै का अर्थ होता है भाभी के लिए, दत्वा दा धातु त्वा प्रत्यय, देकर ताम उनको,
तोषयामी इति, संतुष्ट करूंगा ऐसा। चतुर वानर, देखिए बच्चों इसके गद्यांश के अर्थ को हम एक बार और देख लेते हैं। चालाक वानर शीघ्र ही कहा, अरे मूर्ख कैसे, इसके पूर्व तुम्हारे द्वारा नहीं कहा गया था, नहीं निवेदन किया गया था, मेरा हृदय तो वृक्ष के खोखर में ही रखा हुआ है, इसलिए शीघ्र ही वहां ही से लाकर मैं तुम्हें अपना हृदय भाभी के लिए देकर उनको संतुष्ट करूंगा ऐसा। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। कोटरे खोखर में, दातु दा धातु तुमुन प्रत्यय देने के लिए, नीतम रखा हुआ, परितोषयामी संतुष्ट करूंगा। मूर्खः मकरः तस्य गूढ़म आशयम् अबुद्ध्वा वानरः पुनस्तमेव वृक्षम् नयत्। मूर्खः मकरः, देखिए बच्चों यहाँ भी सामासिक विग्रह पद है, मूर्ख मकरः, और मूर्खः मकरः में मूर्खः जो है वह विशेषण पद है और मकरः विशेष्य पद। मूर्ख मकर, मूर्ख मगर, उसका गूढ़म आशयम् छिपे हुए रहस्य को अबुद्ध्वा न जानकर वानरम वानर को पुनः तमेव पुनः वापस वृक्षम नयत वृक्ष पर ले आया। ततः फिर वृक्षमारुह्य वृक्ष पर चढ़कर, देखिए बच्चों चित्र में भी बंदर जो है मगर की पीठ से छलांग मारकर वृक्ष पर बैठ जाता है, चढ़कर बैठा है और पीछे मुड़कर उस मगर को देख रहा है और कुछ कह रहा है। वानर अवदत, बंदर ने कहा, मूर्ख मगर उसके आशय को न जानकर बंदर को पुनः वृक्ष के पास ले आया। फिर वृक्ष पर चढ़कर बंदर ने कहा, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, अपि हृदयम शरीरात पृथक तिष्ठति। जब किसी वाक्य की शुरुआत या प्रारंभ अपि शब्द से होता है तो वह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। अपि हृदयम शरीरात पृथक तिष्ठति, हृदय भी शरीर से अलग होता है। ये देखिए बच्चों यहाँ इसके भाव को ग्रहण करते समय यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। वह जो बंदर है वह मकर को कहता है, धिक्कार है मूर्ख, हृदय से शरीर भी पृथक होता है, रहता है, अतः इसलिए गच्छ जाओ संप्रति अब त्वया तुम्हारे सह साथ मम मेरी मैत्री मित्रता समाप्ता, मेरी मित्रता समाप्त हो गई। सत्यम उक्तम केनचित कविना, सत्यम धन उक्तम यहाँ संयोग हुआ है, सत्य ही कहा गया है, केनचित किसी कविना कवि के द्वारा। देखिए बच्चों बंदर जब वापिस पेड़ पर चढ़ जाता है तो वह मगर को कहता है, धिक्कार है मूर्ख, हृदय भी कभी शरीर से अलग होता है, इसलिए जाओ अब तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त हो गई। सत्य ही कहा गया है किसी कवि के द्वारा, विश्वासो ही ययोर मध्ये तयोर मध्येस्ति सौहृदम् यस्मिन्नेव विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। विश्वासो ही ययोर मध्ये तयोर मध्येस्ति सौहृदम् यस्मिन्नेव वास्ति विश्वासः तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। विश्वासो, विश्वास ही, यह अव्यय पद है, किसी निश्चय वाचक शब्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से ही ययोर मध्य, ययो धन मध्य, यहाँ विसर्ग संधि है, ययो जो है जिन दो का, ययो में यह षष्ठी विभक्ति द्विवचन का पद, जिन दो का,
मध्ये मध्यमे तयोर मध्ये तयोह धन मध्ये उन दो के बीच में अस्ति है सौहृदम मित्रता विश्वास निश्चित रूप से दिन जिन दो के बीच में होता है उन दो के बीच में ही मित्रता होती है यस्मिन नैव वास्ति। देखिए बच्चों यस्मिन धन एव धन अस्ति यस्मिन धन एव यहाँ व्यंजन संधि है और एव धन अस्ति यहाँ दीर्घ स्वर संधि है जहां नहीं होता है क्या विश्वास विश्वास तस्मिन वहां मैत्री मित्रता व कहां संभवा हो सकता है। तो इस इन दोनों पंक्ति का अर्थ हो जाएगा श्लोक का अर्थ हो जाएगा कि विश्वास जिन दो के बीच होता है उन दो के बीच ही निश्चित रूप से मित्रता होती है जहां विश्वास नहीं होता है वहां मित्रता कहां संभव। तो प्यारे बच्चों इस पाठ को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए हमेशा उनके विश्वास को जीते रखना चाहिए और उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए बच्चों अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। ययो जिन दो के तयो उन दो के सौहृदम सुहृद भाव मित्रता संभवा हो सकता है। अब हम अभ्यास कार्य को देख लेते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है निम्न वाक्यों में विशेषण विशेष्य पदों शब्दों को छांटकर लिखिए। क प्रश्न है वानरस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा। देखिए बच्चों इस प्रश्न में हमें विशेषण और विशेष्य पद को छांटना है। तो विशेषण वह पद है जो उस वाक्य की विशेषता बतला रहा है और विशेष्य वह पद जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहाँ देखिए बच्चों वानरस्य जो है वह कर्ता हो गया तो वानर के हृदय को खाने के लिए मेरी इच्छा बहुत है। तो यहाँ पर विशेष्य पद क्या होगा और विशेषण पद क्या होगा। चलिए बच्चों आप चैट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं या माइक ऑन करके भी दे सकते हैं। मैंने गद्यांश के अर्थ को समझाते हुए बताया था कि कौन से पद विशेषण हैं और कुछ पद विशेष से हैं तो किस प्रकार के पद जो हैं वे विशेषण होते हैं और किस प्रकार के पद जो हैं वो ये विशेष से हैं। तो यहाँ इस पंक्ति में हाँ बहुत अच्छा जवाब इस पंक्ति में बलवती स्पृहा स्पृहा का अर्थ होता है चाह। चाह कैसी चाह बहुत चाह थोड़ी चाह नहीं है। बकरी कहती है कि बंदर के हृदय को खाने के लिए मेरी बहुत चाह चाह है लेकिन कितनी चाह है बहुत चाह। तो यहाँ बलवती स्पृहा जो है वह विशेषण विशेष्य पद होगा। ख में मकरस्य वचनम श्रुत्वा विश्वस्तः वानरः मकर पृष्ठे उपाविशत। इस पंक्ति में विश्वस्तः वानरः यह विशेषण विशेष्य पद होगा विश्वास करके वानर वानर जो है वह विशेष्य है और विश्वस्तः जो है वह विशेषण है। चलिए बच्चों अब हम ग प्रश्न को देखते हैं चतुरह वानरह शीघ्रम कथयत। बच्चों माइक ऑन करके जल्दी आप उत्तर दीजिए इसका इस पंक्ति में विशेषण विशेष्य पद क्या है। बहुत अच्छा जवाब आपका बहुत अच्छा चतुरह वानरह जो है वह विशेषण विशेष्य पद है चतुरह जो है वह विशेषण है और वानरह विशेष्य है।
घ प्रश्न मूर्ख मकरः वानरस्य गूढ़ आशयम् अबुद्वा वानरम् पुनस्तमेव वृक्षम् नयत्। इस वाक्य में विशेषण विशेष्य पद क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा जवाब आपका। मूर्ख मकरः जो पद है वह विशेषण विशेष्य का पद है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। निम्न पशुओं के नाम को संस्कृत में बताइए। यह क्या है? हाँ हाँ बच्चों, यह गाय का चित्र है और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, इसे संस्कृत में गौ कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, पाठ में आप लोगों ने इसे देखा और जाना। यह क्या है? संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? हाँ बहुत अच्छा, इसे वानरह कहा जाता है। उसके नीचे चित्र में देखिए बच्चों, यह क्या है? देखिए बच्चों, यह खरगोश है। आपके लिए इसको संस्कृत में बताना कुछ कठिन लग रहा होगा। चलिए मैं ही बता देती हूं, इसे संस्कृत में शशकह कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इससे भी परिचित हैं, आप इस कहानी में इसे देखे, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, इसे मकरह कहा जाता है। इसके नीचे के चित्र में यह बकरी का चित्र है बच्चों, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? आपको इसका संस्कृत नाम बताने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, कोशिश कीजिए। हाँ बहुत अच्छा, इसे संस्कृत में अजा कहा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, यह चित्र है ये किसका चित्र है? इसे आप पहचान रहे होंगे। हाँ बच्चों, यह कुत्ता है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? बहुत सही जवाब, इसे कुकुरह कहा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, चित्र में दिखाई दे रहा है आपको बहुत ही प्यारी कुछ दिख रही है। हाँ बच्चों, यह बिल्ली है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? बहुत ही सटीक जवाब, इसे बिडालह कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ विशेषण विशेष्य पदों को देखा, कई जानवरों के नाम, कुछ जंगली जानवरों, कुछ पालतू जानवरों के नाम को संस्कृत में क्या कहा जाता है, इसे भी जाना और समझा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से यह कामना की जा रही है या करती हूँ कि आप कभी भी अपने मित्र का विश्वासघात न करें, उनके प्रति विश्वास को बनाए रखें और निश्चित रूप से आपकी मित्रता सफल होगी। तो चलिए बच्चों, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।